आइए। नाइस हाउस। बैठिए। थैंक यू। वो तैयार हो रही है, बस अभी आती ही होगी। यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। तुम जूस लोगे या ड्रिंक? नो नो नो। ये है मेरी दादी, मतलब बाबी डॉल, बेबी बाबी डॉल। कैसी लग रही है? तुम्हारे लिए सजी है। मेरे लिए सजी है? लेकिन क्यों? देखो ना, हम दोनों के कपड़े कितने मैचिंग हैं। मेरे कपड़ों से मैचिंग? Why? Actually, मेरी दादी 1942 से एक लव स्टोरी लिख रही है। अच्छा। लेकिन उनकी डायरी कहीं खो गई है। हाँ, उस डायरी को इन्होंने नाम दिया था मेरी जिंदगी। बेचारी दादी। ओके। नॉट ओके, नॉट एट ऑल ओके। दादी डायरी लिखती है? मुझे भी कुछ बोलने दोगी या नहीं? डायरी खोने का गम नहीं है, क्योंकि मुझे अब मेरा ड्रीम बॉय मिल गया है। घोड़े के पैसे वेस्ट हो गए। किसने डायरी का किया? किसने दिया था? दादी से शादी करवाओगे? क्या हुआ, अपने फ्लैशबैक में चले गए? नहीं, फ्यूचर में। क्यों ना एक ड्रिंक हो जाए, जस्ट अ ग्लास ऑफ वाइन। कोई ऑप्शन है? चीयर्स। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक डांस हो जाए। क्या कहा? वन डांस, जस्ट वन डांस, बाबी डॉल की खातिर प्लीज। अगर एक बार फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है तो दरवाजा खोल के आत्महत्या भी तो नहीं कर सकते। स्टार्ट द म्यूजिक। मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर ठुमका लगाना इतना इजी नहीं है। वही आंखें। वही चेहरा। मेरे ब्लैक एंड व्हाइट दिनों में मैं एक महान इंसान से प्यार करती थी जिनकी शक्ल तुमसे मिलती है, लेकिन मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है, इसलिए मैंने शादी नहीं की, कुंवारी रह गई। और आज तक हूँ, मेरी शादी हुई होती तो मेरा भी तुम्हारी उम्र का एक पोता होता। दादी। कोई मुझे दादी बुलाए वो मुझे पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक अलग खुशी मिलती है बेटा। अपनी इस बूढ़ी दादी को मिलने आते रहोगे ना? वैसे भी मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। ऐसा मत कहिए दादी। अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम खाना खा के जाना। हाँ, हमें अब तक यही लगता था कि दादी बहुत मॉडर्न है, उनका दूसरा पहलू तो हमने कभी देखा ही नहीं। पता नहीं था कि एक रॉकस्टार दादी का दिल किसी के लिए धड़क रहा है। इनके साथ रहने के बावजूद भी हम इन्हें कभी नहीं समझ पाए। उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए और उनके सपने पूरे करने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। चलो डिनर करते हैं। नहीं, फिर कभी, आज दिल भर गया। ये क्या है दादी? मुझे लगा आप रात को डिनर या डिस्को लेके जाने की बात करेंगी, पर ये मंदिर में क्यों लेके आ गई? मैं क्या करूं, कितनी बार इन लड़कियों से कहा बिगड़ो बिगड़ो, लेकिन ये बिगड़ती ही नहीं। दादी, मुझे भी विद्या की शादी में ले चलो ना। क्यों,
तुम्हारा वहाँ क्या काम है? एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर तुम्हारे साथ वक्त कैसे बिताऊंगा? I'm going to miss you. तुम मुझे मिस करोगे? सुबह से और कोई मिला नहीं? दादी यहाँ आओ ना प्लीज. आई दादी. दादी आप ठीक तो? कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा. 1 2 3. देखा दादी मैंने कैसे आपका दर्द दूर किया. मैं आपको शादी में हरगिज जाने नहीं दूंगा. ये क्या आपका ख्याल रखेंगी? मैं आपका ख्याल रखूंगा. ज्यादा हीरो मत बनो, टाइम पे पहुंच जाना मेरी शादी में इसके साथ. ओ छोटू बात सुन, जा दो लस्सी दे के आओ थे, जा. आप लोग ऑर्डर करो मैं आता हूँ. हाँ. एक चीज सैंडविच ले आइए. Good. को चेक करना है. हाँ भाई. तुम लोग जाओ मैं पार्क करके आता हूँ. ठीक है राज. एक्सक्यूज मी सर. सर कार्ड सर. हेलो जानदारी मैं कौन हूँ? सॉरी सर, विदाउट कार्ड किसी को भी एंट्री नहीं है. अरे कोई इसको कार्ड दिखाओ रे. थैंक यू सर. अब क्या लड़के वालों को भी एक्सेस कार्ड दिखाना पड़ेगा? अच्छा हुआ शादी से पहले उन्होंने राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं मांग लिया. एक्सक्यूज मी सर, सर कार्ड सर. सॉरी सर, हमें ऑर्डर है, बिना कार्ड कोई अंदर नहीं जा सकता. इट्स ओके. सॉरी सर. राज. एक्सक्यूज मी सर. राज रुको. सॉरी सर. सॉरी राज. प्लीज कम. प्लीज अंदर आइए. प्लीज. सॉरी. प्लीज कम. अरे नो प्रॉब्लम. अरे ललका देखो कितना बड़ा हो गया है, इसके लिए कोई लड़की वलकी देखी कि नहीं? आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं. अरे मैं हूँ ना, मेरे साले की एक कलाक बेटी है. बड़ा एहसान है तुम्हारा मुझ पर, पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ. मेरा फर्ज था, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए. तुमने मेरी बेटी को नहीं, मेरी जिंदगी को बचाया, मेरी जान को. हमारी बच्ची को किसी ने छेड़ा और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया, उसकी जान नहीं ली. किसी को जान से मारना मेरी फितरत नहीं है. किन बातों में उलझ गए आप? जाइए फ्रेश हो जाइए. बोल रहा है तेरी मौत साले कमीने.
ढाबे में तेरी बेटी पर हमला मैंने ही करवाया था। पहली बार तो तू हमारे हाथों से बच गया था, इस बार तुझे पूरी प्लानिंग के साथ मारेंगे। इस बार एक घंटे में तेरी मौत पक्की। हेलो हेलो, क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं, बेटी की याद आ गई। बेटी घर से विदा हो तो बाप की आंखों में आंसू होने चाहिए, चेहरे पर टेंशन नहीं। क्या हुआ बताइए? बिजनेस की छोटी मोटी बातें हैं। छोटी मोटी बात? ढाबे पर आकांक्षा पर हमला होना छोटी मोटी बात नहीं है। शादी के वक्त घर में रिश्तेदारों से ज्यादा बॉडीगार्ड्स होना छोटी मोटी बात नहीं है। सिर्फ एक फोन आने से आपके चेहरे का रंग उड़ जाना छोटी मोटी बात नहीं है। बताइए अंकल। मरेंगे सबके सब, मेरे हाथों ही मरेंगे। अंकल, आकांक्षा ने आपसे ना कहा हो पर मुझे उससे प्यार है। आकांक्षा और उसके परिवार के लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। अंकल, मैंने लाइफ कभी सीरियसली नहीं ली, क्योंकि जब मैं सीरियस होता हूँ ना तो भारी पड़ जाता है। उन्होंने एक घंटे का वक्त दिया है ना, मैं एक घंटे के अंदर उन्हें अपनी असली औकात दिखा दूंगा। राज की बात पे कभी डाउट मत करना। जीजा जी, हम यहाँ क्यों आए? किसी के डर की वजह से यहाँ वहाँ भागते फिरेंगे, बुजदिली दिखाएंगे? इसे बुजदिली नहीं, समझदारी कहते हैं। लड़के वाले अब यहाँ से जा चुके हैं, तो तुम वहाँ रुक के किसकी पहरेदारी करते हैं? और जो वहाँ औरतें हैं उनका क्या? उनका टारगेट घर की औरतें नहीं है। इससे पहले भी अंकल को अकेले बाहर बुलाकर उन पर हमला किया गया और अब दोबारा फोन किया है। उन्होंने एक घंटे की वार्निंग दी थी क्योंकि वो उस जगह को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन ये एक नई जगह है, यहाँ हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगर उन्होंने यहाँ आने की गलती कर दी ना, तो उनमें से एक भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। इस नए छोकरे पर इतना भरोसा कर रहे हैं हम? किसी काम के नहीं, ये अकेला क्या करेगा? कभी क्रिकेट मैच नहीं देखा क्या? प्लेयर्स चाहे जितने भी आते जाते रहें, टेंडुलकर हमेशा टेंडुलकर रहता है। मतलब? हर बात डिटेल में कैसे समझाऊं? जंगल में चाहे जितने भी खतरनाक जानवर हो, शेर की एक दहाड़ से सारा जंगल थर थर कांप उठता है। हेलो। अपनी जिंदगी जितना जीना चाहता है जी ले, हम तेरी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहते हैं। तेरी मौत हमारे ही हाथों लिखी है। ए, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? धमका रहे हो? तूने क्या सोचा हम डर जाएंगे? जिसको मारना होता है वो बार बार फोन करके गीदड़ भपकिया नहीं देता, वो अपनी आंखों में खून भर के तलवार उठाकर एक ही बार में मार देता है। Thank you.
कौन है तू? कौन है तू? पहचान हमें, याद कर कुत्ते। पावर प्लांट के लिए जिसे मैंने मरवाया था, क्या तुम उसके बेटे हो? गलत, याद कर। रोड कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जिस परिवार को मैंने मरवाया था, क्या तुम उसके बेटे हो? तूने इतने पाप किए हैं कि तेरे पापों का घड़ा भर गया है। तुझे मारूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा। आदित्यपुरम याद है या नहीं?